दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट पूरे 26 होते हैं, जो हम सबको बचपन में ही पढ़ाया जाता है, जिनमें सिखाया जाता है कि ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बांग्लादेश, हाँ दोस्तों, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। दोस्तों, ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी 26 ABCD अल्फाबेट्स है, जो हम आज जानने वाले हैं। दोस्तों, आपके मित्र भी शायद ही जानते होंगे, उनको भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ए फॉर अर्जुन, जो एक महान योद्धा है। बी फॉर बलराम, हमारे नटखट गोपाल के प्यारे भाई। सी फॉर चाणक्य, जो प्राचीन भारतीय शिक्षक और लेखक है। डी फॉर ध्रुवा, जो भगवान विष्णु के तपस्वी भक्त थे। ई फॉर एकलव्य, जो गुरु द्रोणाचार्य का महान भक्त थे, जिनके आदेश के चलते अपना उंगली तक काट के सौंप दिए थे। एफ फॉर फोरवेदा, जो हमारे हिंदू धर्म के चार पवित्र वेद है। जी फॉर गायत्री माता, जो ज्ञान के माता है। एच फॉर हनुमान, जो भगवान श्री राम के महान भक्त। आई फॉर इंद्रदेव, जो स्वर्गलोक के देवता है। जे फॉर जटायु, जो एक दिव्य पक्षी और रामायण में एक महान रक्षक थे। के फॉर कृष्ण, जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिए थे। यल फॉर लवकुश, जो श्री राम और माता सीता के पुत्र है। यम फॉर मार्कंडेय, जो एक चिरंजीवी और भगवान शिव के महान भक्त है। यन फॉर नारद मुनि, जो एक संगीतकार और कहानीकार के रूप में भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं। ओ फॉर ओमकार, जो पवित्र ध्वनि है। पी फॉर प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के प्रति अपना दृढ़ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। क्यू फॉर क्वीन गांधारी, हिंदू महिलाओं की भूमिका की प्रतीक है। आर फॉर राम, दोस्तों जो अयोध्या के महान शासक और हर हिंदू के दिल में बसे भगवान राम है। यस फॉर सूर्यदेव, जो ब्रह्मांड की निर्माता और सभी जीवन के स्रोत। टी फॉर तुलसी देवी, जो आयुर्वेद पौधों की धारा। यू फॉर उद्धवा, जो कृष्ण के मित्र और जिन्हें सीधे कृष्ण द्वारा योग और भक्ति की प्रक्रिया सिखाई गई थी। वी फॉर वामन अवतार, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक है। डब्ल्यू फॉर वॉटर गंगा, जो नदियों की देवी है। एक्स फॉर जीरबदी द्वादशी, जो एक हिंदू अनुष्ठान है। वाई फॉर यशोधा, जो भगवान कृष्ण की माता है। जेड फॉर जाम्बवंत, जो राम के भक्त और चिरंजीवी है। दोस्तों, ये थे वो हिंदू धर्म के ABCD का मतलब। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी जानकारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, आप भले ही सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपके एक हिंदू मित्र के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।